अब आप ध्यान दीजिए, एक अच्छा गाँव गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित डॉक्टर मनोहर रे इत्यादि लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक है। अब आपको हीरोन का सूत्र इस पार्ट पाँच में हीरोन के सूत्र का प्रयोग आपको मिलेगा। आपका प्रश्न है, भुजाएं 21 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इसको आप 21 मीटर कामा 17 मीटर कामा 10 मीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। जैसा कि एक त्रिभुज आपका है एबीसी, इस तरह से एक भुजा 10 मीटर है, दूसरी भुजा 21 मीटर है, तीसरी भुजा आपकी 17 मीटर है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आप मान लेंगे, मान लिया ए बराबर 21 मीटर, बी बराबर 17 मीटर, सी बराबर 10 मीटर। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे जैसा कि हीरोन के सूत्र में उसका प्रयोग होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस, एस से प्रदर्शित करते हैं, बराबर ए धन बी धन सी बटा दो, यानी तीनों भुजाओं का योगफल बटा दो, 21 धन 17 धन 10 बटा दो, टोटल जोड़ देंगे 48 बटा दो, कटा देंगे 24 मीटर। सूत्रानुसार अभी आपका हीरोन का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्र बराबर कड़ी में एस छोटे कोष्टक में एक्स एस माइनस ए छोटा कोष्टक बन इंटू पुनः छोटे कोष्टक में एस माइनस बी छोटा कोष्टक बन इंटू छोटे कोष्टक में एस माइनस सी छोटा कोष्टक बन। ये कर्णी में आपका है, बराबर कर्णी में एस का मान आपका 24 है, 24 छोटे कोष्टक में 24 माइनस ए का मान 21 है, यानी ए बी सी के मान नीचे रख दिए गए हैं और एस के रखे गए हैं। 24 छोटे कोष्टक में 24 माइनस 21 छोटा कोष्टक बन इंटू पुनः छोटे कोष्टक में 24 माइनस 17 छोटा कोष्टक बन इंटू पुनः छोटे कोष्टक में 24 माइनस 10 छोटा कोष्टक बन, बराबर कर्णी में 24 घटा देंगे आपका 3 होगा, गुणे 7 गुणे 14। अब 24 और 14 का भाज्य खंड कर देंगे, कर्णी में 24 का भाज्य खंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और ये 3 आपका है, गुणे 7 गुणे 14 का भाज्य खंड होगा 2 गुणे 7। अब दो वाले अंक को एक तरफ और तीन वाले को एक तरफ सीरियल से कर दिया गया है, दो कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब कड़ी में है इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, जोड़ा लगा करके बाहर कर देना है, 2 में से 2 को ले लिया है, इस जोड़े में से 2 को लिया, इस जोड़े में से 3 को लिया, इस जोड़े में से 7 को लिया, में गुणा कर देंगे 7 तरीके 21 21 दूरी 42 42 दूरी 84 वर्ग मीटर। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी लिखें और आल वाली घंटी दबा दें ताकि जब जब मैं अपनी वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत पहुँच सके। और यदि मैं बता दूँ कक्षा 9, 10, 11, 12 गणित विज्ञान अंग्रेजी के अतिरिक्त बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, टेट, सीटेट, एयरफोर्स, नेवी, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा इत्यादि सीएचएस विद्यालय प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 94-15-88-75-29 और ये चैनल का नाम है डॉक्टर मंजुलिका सिंह यादव। आप इसे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस वीडियो को अंत तक पढ़े तब इसका आपको लाभ मिल सकता है। ये त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए बता दिया गया है। थैंक यू।